बुरे लोग अपनी खुदगर्जी और कठोरता की वजह से सत्य के मार्ग पर चलने वालों पर चारों तरफ से हमला करते हैं। इस अंधकार की गहराई से उन अच्छे लोगों को बाहर निकालने वाला पुण्य आत्मा हो जाता है। हमसे भी कोई ज्यादा शक्तिशाली कोई हमसे टकराने आ जाए तो उससे लड़ने का एक सलीका होता है। The entire system is in our control. आखिर क्यों भाईजान से आउट हुए आयुष शर्मा? आखिर सलमान ने अपने ही जीजा को क्यों बताया सेल्फिश? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जियाल। दोस्तों, सलमान खान की भाईजान बहुत टाइम से चर्चा में है और इसमें कई बड़े बड़े नए अपडेट सामने आते हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जुड़ते रहते हैं, लेकिन ये इन और आउट का गेम काफ़ी टाइम से चल रहा है। आयुष शर्मा पहले इस फिल्म में होने वाले थे, लेकिन क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते वो बाहर हो गए। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान टाइगर 3 भाईजान किक 2 में बहुत ज़्यादा बिजी है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में सलमान खान ने अपने जीजा को कह दिया था कि वो सेल्फिश हैं। आपको बता दें ये वीडियो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। कॉमेडियन कपिल शर्मा की कॉमेडी शो का ये वीडियो है। शो में दोनों अपनी फिल्म अंतिम के प्रमोशन में आए थे। शो में बातचीत के दौरान सलमान कहते हैं कि ये इतना सेल्फिश ब्रदर इन लॉ है, इतना सेल्फिश है कि बीच में मेरा टाइमिंग 2-3 दिन ऑफ हो गया था बॉडी को लेकर। अगर मुझे 2-3 दिन मिल जाते तो काम आ जाता, लेकिन इन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। अपने बीवी से फ़ोन करवा कर कहा कि उसे 2 दिन आगे ना बढ़ाएं, अभी करते हैं। साथ ही वो कहते हैं क्योंकि जीजा जी ने वाटर कट, सॉल्ट कट, चावल कट सब कुछ कर रखा था और इनसे रहा नहीं जा रहा था। तो मजाक में सलमान ने अपने जीजू की टांग खींच दी। वहीं दोस्तों, आपको बता दें भाईजान में सलमान खान के ऑपोजिट होंगी पूजा हेगड़े। इसके अलावा शहनाज गिल, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, साथ ही बिग बॉस से फेम पाने वाली हैं और हर कोई एक्साइटेड है कि शहनाज को वो इस फिल्म में देखें। शहनाज और सलमान खान की बॉन्डिंग भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अब देखना होगा ये केमिस्ट्री कितना बड़ा तहलका मचाती है भाईजान में। आपको इस बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।